देखो भाई अब ग्लॉस बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ तो भाई आज हम करने वाले हैं भाई बाइक में लेमिनेशन। जैसे कि आपको पता ही है बाइक में सिरेमिक हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी भाई लेमिनेशन करेंगे, क्योंकि भाई बहुत लोग क्या करते हैं ना, आते हैं ना तो भाई सबसे पहले टैंक को ही हाथ लगाते हैं, एंड मुझे वो पसंद नहीं है क्योंकि भाई एकदम जो रहता है ना मेरा भाई एकदम दिल टूट जाता है कोई ऐसा हाथ लगाते हैं। तो भाई आज हम करेंगे टैंक पे एंड ये दोनों पे, हालांकि इसमें भी कर सकते हैं बट लगता नहीं उतना, हाथ वगैरह कोई रखता नहीं है, इसमें भी कोई हाथ वगैरह रखता नहीं, मेन यहाँ पे पड़ता है हाथ। एंड इसको मैं इसीलिए करने वाला हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे पैर रखाता है करके यहाँ पे भी इसलिए लेमिनेशन करूँगा। एंड भाई यहाँ पे थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह दिख रहे होंगे आपको, तो भाई पता नहीं कौन लगा दिया है, उतना भी हल्का दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए भाई लेमिनेशन करेंगे। तो देखते रहो वीडियो को। तो भाई स्टार्ट करेंगे लगाना, उसके पहले ना भाई ये जो शीट है ना ये 2x2.5 फीट है, मीन्स हम लोग जो ऐसे बिठाएंगे ना तो ऐसे में 2.5 फीट है, एंड जो ऐसे लंबाई है मीन्स जो ऐसे रहेगा वो 2 फीट का है। तो मैं उसको पहले से ही काट लिया हूँ, एंड जो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग बनाना है ताकि ये जो टंकी के यहाँ पे आए करके वो ताकि वो अच्छे से स्ट्रेच हो सके। देन इसमें थोड़ा सा ऐसा करके साबुन पानी मार लेना है। तो भाई देख सकते हो लेमिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड मैं इसको कम से कम 3 बार ट्राई मार रहा हूँ, फिर जाके ये 4th टाइम में हुआ है कंप्लीट। एंड भाई ठीक ही ठाक फिनिशिंग वगैरह आया है, थोड़े बहुत बबल्स वगैरह दिख रहे हैं बट चलता है, फर्स्ट मतलब पहली बार ही कर रहा हूँ एक टाइप से हिसाब से, तो मेरे को चलेगा भाई। एंड अभी ये मैंने पूरा कट करके निकाल लिया है, 3rd वाला जो लेयर है वो लगाना बचा है। तो भाई जो 3rd वाला लेयर है ना वो निकालना बचा है, एंड तो मैं निकालता हूँ 3rd वाला लेयर। ये देखो यहाँ से एकदम हल्का हल्का सा उधड़ रहा है, एंड उसके बाद देखते हैं ग्लॉस कैसा आ रहा है।
देखो भाई स्टेप से निकलते हैं थर्ड वाला लेयर। देखो भाई अब ग्लॉस बहुत अच्छा दिख रहा है एंड ये जो बबल्स हैं ना भाई ये टाइम के साथ साथ दब जाते हैं। भाई ये बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है निकालना फाइनल लेयर को। एंड जब निकालोगे ना भाई फाइनल लेयर तो कोई दिक्कत नहीं होता निकल जाते इजिली। जो अंदर का जो फिनिशिंग देखो ये मैंने पूरा निकाल दिया है एंड मैं अब जो है ना इसमें फिनिशिंग करूँगा तो मैं दिखाता हूँ कैसे फिनिशिंग होगा। तो भाई फाइनल लेयर के लिए ना मेरे पास इस टाइप की शीट बची हुई है, इसको मैं ना भाई एकदम पतली पतली स्ट्रिप काट लूँगा, यहाँ से एकदम दिख रहा होगा एकदम पतली पतली एक ये आधा इंच की स्ट्रिप एंड फिर उसके बाद उसको पूरा राउंडिंग जहाँ जहाँ से कट लगाया है वहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ पतली पतली स्ट्रिप जो है काट ली है यानी बहुत लंबी लंबी स्ट्रिप है, मैं इसको चिपकाता हूँ तो से स्टार्ट करो। तो भाई देख सकते हो ये लेमिनेट कुछ इस टाइप से लगा है भाई, थोड़ा बबल्स वगैरह आए हैं, पहली बार लगाया हूँ मीन्स बहुत करने के बाद एंड कल रात हो गया था तो फिर भाई मैं इसको शूट नहीं कर पाया था, सुबह है इसलिए मैं शूट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो भाई मेरे को चल जाएगा भाई, थोड़ा बहुत बबल्स वगैरह हैं एंड टाइम के साथ साथ हील हो जाते हैं बबल्स। भाई पहली बार लगा रहे हैं भाई, खुद से लगा रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं लगाया था मैं तो फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है चल जाएगा। बाकी ये है कि थोड़ा प्रोटेक्ट हो गया टैंक। अगर यहाँ तक देख चुके हो और अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को जरूर लाइक कर देना, भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आपको कैसा लगा ये लेमिनेशन का वीडियो बिल्कुल से बिल्कुल मुझे बताना नीचे कमेंट में एंड तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।